हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ गौरांग और आज का हमारा टॉपिक है जो कि आप ऑलरेडी थंबनेल और टाइटल में देख चुके होंगे, जो है टॉप 5 डिस्कवरीज ऑफ आर्यभट्ट। जी हाँ, आज हम 5 ऐसी डिस्कवरीज के बारे में जानेंगे जिनकी खोज आर्यभट्ट इन्होंने की है और जिनको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। और ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी। और अगर आप भी ऐसी वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। इस चैनल पर आपको अच्छा कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आर्यभट्ट को कई वेबसाइट्स में आर्यभट्ट कहा गया है, लेकिन इनका नाम आर्यभट्ट नहीं बल्कि आर्यभट्ट है। जी हाँ, इनका जन्म 476 कॉमन एरा में पाटलिपुत्र, जिसका आज का नाम पटना है, वहाँ पे हुआ था। जबकि 550 कॉमन एरा में जब वे 74 साल के थे तब उनकी मौत हो गई। इन 74 सालों में आर्यभट्ट जी को गणित और खगोल शास्त्र इन विषय में खासी रुचि रही थी और इनमें कई डिस्कवरीज भी इन्होंने की, लेकिन अब हम उन्हीं में से 5 सबसे बेस्ट डिस्कवरीज के बारे में जानेंगे। नंबर 1, डिस्कवरी ऑफ जीरो। आज की दुनिया में जीरो को काफी ज्यादा महत्व है। असल में ये एक मैथमेटिक्स का जीरो नहीं बल्कि हीरो है। जी हाँ, अगर आज जीरो नहीं होता तो हम अपने डेली कैलकुलेशंस बिल्कुल भी नहीं कर पाते। क्या आपको पता है जीरो की इन्वेंशन से पहले व्यापार कैसे करते थे? तो उस समय लेन देन की प्रोसेस होती थी, यानी सामान के बदले सामान को देना। लेकिन कई लोगों को इससे भारी नुकसान हो जाता था। किसान बोरियां भर भर के अनाज देते थे और वो भी कुछ बर्तनों के लिए। स्ट्रेंज। इसलिए जीरो का काफी ज्यादा महत्व है हमारी लाइफ में एंड उसे फाउंड किया है इंडिया के ही आर्यभट्ट जी ने। प्राउड टू बी एन इंडियन, नहीं? नंबर 2, शेप ऑफ द अर्थ। क्या आपको पता है पुराने समय में कहा जाता था कि पृथ्वी स्फेरिकल नहीं बल्कि क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन सबसे पहले आर्यभट्ट जी ने ही कहा था कि अर्थ एक स्फीयर है। इतना ही नहीं बल्कि पृथ्वी सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करती है और इसके लिए उसे 365 दिन लगते हैं। ये भी सबसे पहले आर्यभट्ट जी ने ही कहा था और वो भी बिना स्पेस में जाए। वाव। एंड जब इंसान ने स्पेस में जाना शुरू किया तब आर्यभट्ट का दावा बिल्कुल सही साबित हुआ। नंबर 3, द वैल्यू ऑफ पाई। जब आप स्कूल या कॉलेज में होंगे या फिर है तो आपने कभी ना कभी पाए तो सुना ही होगा। सर्कल के वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप सभी जानते होंगे कि इसकी वैल्यू 3.14 होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका खोज भी आर्यभट्ट जी ने ही किया था। नंबर 4, फॉर्मूला ऑफ a+b ब्रैकेट स्क्वायर। जब आप स्कूल या कॉलेज में होंगे तो आपने इस फॉर्मूले को कभी ना कभी जरूर इस्तेमाल किया होगा, और अगर आपको याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं क्योंकि आपने इसे फिर भी इस्तेमाल किया ही है। सो a+b ब्रैकेट स्क्वायर की वैल्यू होती है a² + 2ab + b² और इस वैल्यू की खोज भी आर्यभट्ट जी ने ही की थी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 5, द मून लाइट। मून यानी हमारा चंद्रमा एक नेचुरल सैटेलाइट है, तो उसे खुद की रोशनी नहीं हो सकती, लेकिन चांद से जो रोशनी हमें रात में मिलती है वो सूरज की ही होती है। जी हाँ, सूरज की रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा पे से अर्थ पर।
ये एक रियल थ्योरी है और इस थ्योरी को भी आर्यभट्ट जी ने ही सबसे पहले कहा था। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बिना स्पेस में जाए इन्होंने ये थ्योरीज को फाइंड आउट किया है। और बाद में जब इसकी रिसर्च की गई तब ये थ्योरी भी बिल्कुल सही निकली। यूं तो आर्यभट्ट जी ने कई इन्वेंशंस किए हैं, लेकिन ये थे 5 सबसे बेस्ट जिन्होंने आज की दुनिया का रंग ही बदल दिया है। एक बार आप सोच के देखिए, इन 5 इन्वेंशंस अगर आज नहीं होते तो हमारी जिंदगी कैसी होती। सो दैट्स अप फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।